ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आखिरी के जो सप्ताह है या आखिरी जो 9 दिन है मिथुन राशि का, जुलाई का 2017 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम आपको आर्थिक स्थिति बताएंगे कि कैसा रहेगा। देखिए, आपके धन स्थान का मालिक चंद्र सप्ताह के प्रारंभ में धन स्थान में सूर्य और मंगल के साथ युति में है, हालांकि शुक्र व्यय स्थान में है। आय की तुलना में खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे और ये खर्चे आपकी मौज मस्ती और फालतू के कामों में होंगे। निवेश में दुविधा रखेंगे, आपके गलत निर्णय की वजह से आपके धन के फंस जाने का अंदेशा बना रहेगा। अब हम आपके व्यावसायिक और कैरियर की बात करेंगे, मतलब व्यवसाय और नौकरी की बात। व्यावसायिक मोर्चे पर आपके लिए एक अच्छा समय प्रतीत होता है, हालांकि नौकरी और खुदरा काम कर रहे लोगों के चल रहे प्रोजेक्ट्स के कार्यों में विलंब और अवरोध आने की आशंका है। यदि कामकाज बाहरी जगहों से जुड़े हैं या किसी आयात निर्यात के कामकाज से वास्ता रखते हैं तो एकाएक अनिश्चित परिवर्तन की भविष्यवाणी है। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों का इस समय संयम रखने की जरूरत है। अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य समान रूप से अच्छा बना रहेगा। आप आकर्षक दिखने के लिए किसी प्रकार का ब्यूटी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए किसी की प्रवृत्ति से जुड़ने की संभावना रहेगी। शुरू के 2 दिनों में आपको कंधे या दांतों स्नायुओं से संबंधित समस्याएं हो सकती है। सप्ताह के मध्य के दौरान साहसिक स्थानों की यात्रा के दौरान चलने फिरने में आप ख्याल रखिएगा। आपकी लापरवाही से आपको बड़ी दुर्घटना की आशंका होगी। पुरानी बीमारियों में आपके ऊपर उपचार का कम असर होता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की और दाम्पत्य जीवन की। आपके पंचम स्थान का मालिक शुक्र इस समय व्यय स्थान में है। वाणी के स्थान में उग्र स्वभाव के ग्रह सूर्य और मंगल की युति बनती है। बुध के साथ राहु का मेल है। मित्र जनों, आप इस वक्त विपरीत लिंगी जातकों की आकर्षित होंगे, पर अहंकार या उग्र स्वभाव की वजह से संबंधों में तनाव आ सकता है। आप में भूख विलास की प्रवृत्ति अधिक रहेगी और सप्ताह के मध्य में आपको विपरीत लिंगी मित्रों के साथ संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।